हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्किन स्किन सीरीज में। आपका ये जो थर्ड सीरीज है वो है हमारी उबटन वाओ की, उबटन रेडियंस फेशियल किट। जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले जो फेशियल किट लेके आए थे वो था वाओ पर विटामिन सी फेशियल ब्राइटनिंग किट, एंड सेकेंड जो था वो था हमारा हिमालय का प्योर स्किन नीम फेशियल किट। एंड दिस वन इज वाओ का स्किन साइंस उबटन रेडियंस फेशियल किट। इस वाले उसकी खासियत ये है कि ये जैसे कि हमारी शादियों में, हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं यूजली, उसमें जो दादी नानी के यहाँ जो उबटन रेसिपीज़ यूज़ की जाती थी, हल्दी और क्या कहते हैं जो भी टर्मरिक वगैरह, टर्मरिक चंदन और रोज़ वाटर या जो भी चीज़ें उबटन में यूज़ की जाती हैं, उन्हीं से इंस्पायर्ड है ये। और क्या कहते हैं वाओ लेकर आया है इसको। एंड ये इसमें टर्मरिक, सेफ्रन और चंदन और इसमें बेसन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इन्फ्यूज्ड हैं। और ये किस लिए है? ये है डिटेन करने के लिए चेहरे को, जो हमारे चेहरे पे काली काली छाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, झाइयाँ, और स्किन को स्मूथ करेगा और रेडियंट स्किन के लिए है। और सबसे खास चीज़ ये है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, जिससे कि हमारे चेहरे पे कुछ इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। और जो अच्छी बात लगती है मुझे वाओ की, वो ये है कि ना तो इसमें पैराबिन है, ना सिलिकन है, ना सल्फेट है, जो कि स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो जिसमें पैराबेन, सिलिकन या फिर सल्फेट होता है, तो प्लीज़ उसे ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत बेकार होता है चेहरे के लिए। तो चलिए इस किट को हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं शादियों में काफ़ी ब्राइट एंड ग्लो देने के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप पार्लर नहीं जा सकते, या आप पार्लर जाके फालतू में पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो देखिए ये है इसका लुक। बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाओ का विटामिन सी का है, बस फ़र्क इसमें इतना है कि ये उबटन वाला फेशियल किट है। तो सबसे पहला जो इन्होंने दिया है, पहला स्टेप है, वो है उबटन क्लींजिंग मिल्क। ठीक है, तो इसमें क्या खासियत है कि ये फेस वॉश भी है, और दूसरा फेस वॉश के अलावा इसमें उबटन की खासियत है, उबटन का भी इसमें इन्फ्यूज्ड है, जो भी उबटन की चीज़ें होती हैं, सैफरन, सैंडलवुड, टर्मरिक, चिकपी वगैरह। तो पहले हमें इसे फेस वॉश करना है, लेकिन ये हमारे चेहरे को बिल्कुल भी वो नहीं करेगा, ड्राई नहीं करेगा, ग्लो करेगा, चेहरे को बूस्ट करेगा, हाइड्रेट बनाएगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, और काफ़ी अच्छे से डर्ट, पॉल्यूशन और जो भी मेकअप वगैरह हम लगाते हैं उससे स्किन बेकार हो जाती है, वो सब अच्छे से क्लीन कर देगा और स्किन को एकदम फ्रेश और हाइड्रेटेड बना देगा। फिर सेकंड स्टेप जो है हमारा, वो है सेकंड स्टेप उबटन फेस स्क्रब। तो उबटन फेस स्क्रब क्या है? ये एक्सफोलिएट करेगा स्क्रब, जो कि डेड स्किन जो हमारे चेहरे पे धूल मिट्टी की वजह से जम जाती है, और इसको हटा के एक ब्राइटन और काफ़ी अच्छे से अच्छा कॉम्प्लेक्शन लेकर आएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा वाओ का उबटन सिरम। इसको यूज़ करने के बाद हमें सिरम लगाना है। सिरम का टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसका बताया था मैंने आपको, वाओ का विटामिन सी का जो था। तो इसका कुछ येलोइश कलर में है, उसका कुछ वाइट था, इसको थोड़ा सा येलोइश है। देखो काफ़ी प्यारा लगता है, देखो हल्का हल्का उबटन की ही उसमें है ये येलो। तो इसे हमें लगाना है टिल जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए चेहरे में। एंड इसकी खासियत ये है कि ये टैनिंग को हटाएगा, रेडियंस को बूस्ट करेगा, और ये सीरम जो है वो हमारी डल स्किन जो है उसको रिस्टोर करने में, फिर से ठीक करने में हेल्प करेगा, एंड एक अच्छा सा ग्लो देगा चेहरे पे। फिर चौथा स्टेप जो है वो है वाओ का उबटन मसाज क्रीम। इस मसाज क्रीम से चेहरा जो है टाइटनिंग का काम करता है, एंड स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है, फर्म हो जाती है, एंड मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को अच्छे से, एंड नूरिश करता है और स्किन को टाइट भी करता है। ये मसाज क्रीम जो पार्लर वगैरह में यूज़ करते हैं काफ़ी लो क्वालिटी की होती है। एंड फिर आता है हमारा वाओ का उबटन फेस पैक। ये फेस पैक बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम घरों में बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें वो और भी इंक्लूडेड हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो
ये फिफ्थ स्टेप में ये क्या करेगा, ब्राइटन करेगा, फिर से स्किन को रिफाइन करेगा, स्मूथ बनाएगा, कॉम्प्लेक्शन देगा, एक हेल्दी ग्लोइंग हमारा टेक्सचर हो जाएगा स्किन का। फिर लास्ट स्टेप जो है वो है उबटन सूथिंग जेल। जेल की भी कंसिस्टेंसी वैसी है जैसे जेल की होती है, लेकिन इसमें उबटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, एंड ये फिर से हमारे चेहरे को रिजुवनेट करेगा, हाइड्रेटेड बनाएगा, एंड स्किन पे एक ऐसा ग्लो छोड़ देगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी 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 हम पार्लर से आए हैं, और बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा और एकदम सॉफ्ट और सपल और ड्यूई रेडियंट अपीयरेंस हमारे चेहरे पर आएगी। फिर लास्ट में अगर हम भूल जाते हैं कि इसमें कैसे कब कहाँ क्या करना है, पहली बार अगर हम घर पे कर रहे हैं, तो देखिए इसमें बहुत आसानी से यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा। हाँ, और यहाँ पे बता रखा है कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या करेगी, किस तरीके से हमें हेल्प करेगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, और इसका प्राइस भी 449 है, लेकिन मुझे ऑफ़र में मिल गया था ब्लिंकिट पे, तो मेरा 360 के अराउंड कुछ हुआ था। लेकिन हम इससे भी 4-5 बार कर सकते हैं, अगर घर में दो लोग हैं तो 2-4 बार कर सकते हैं, है ना। और लास्ट में ये रोज़ वाटर तो मिलता ही है हमको, वाओ का फ्री है ये, और इसको हम ऐसे टोनर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी हनी वनी या जो भी जिसमें भी मिला के आपको उबटन बनाना हो। तो ये बहुत प्यारा मुझे फेशियल किट लगा और मैंने इसे यूज़ भी किया है। आप भी यूज़ करके बताइए कि आपको कितना इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको वाकई में ये चीज़ अच्छी लगती है तो इस तरीके की चीज़ें हम और भी लेकर आएंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसको कहाँ से परचेज़ करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और एक बार अपने फेस को कुछ यूनिक ट्राई कीजिए अपने फेस के लिए, क्योंकि फेस बहुत ही सेंसिटिव होता है, और बहुत ही आज के टाइम में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना, और पर्सनैलिटी का सबसे पहला जो वो होता है हमारा फेस। सब हर इंसान फेस की तरफ ही देखता है, तो वैसी चीज़ें यूज़ कीजिए जो ब्रांडेड भी हों, थोड़ा अच्छी भी हों क्वालिटी वाइज। तो मैंने ये यूज़ करके देखा है, आप भी यूज़ करके मुझे बताइए इसका रिव्यू।